Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about go on, keep on, let's, let or allow me. तो इनमें कैसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं ये मैं बता रहा हूँ. ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, छोटे छोटे से वर्ड हैं. जैसे गो ऑन और कीप ऑन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, करते रहो. इसके साथ में दोनों में ही आप देख सकते हैं आईएनजी का प्रयोग कर रहा है और दोनों का सेम मीनिंग है. आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. जैसे गो ऑन वर्किंग, काम करते रहो. कोई व्यक्ति ये काम कर रहा है और काम करते करते उसने बंद कर दिया है और बैठ गया है, तो आप उसे बोल सकते हैं गो ऑन वर्किंग या कीप ऑन वर्किंग. इसका मतलब होगा काम करते रहो, कंटिन्यू करते रहो उस चीज़ को. किसने पढ़ना बंद कर दिया, तो आप उसे बोल सकते हैं गो ऑन स्टडिंग, पढ़ते रहो, या कीप ऑन स्टडिंग. दोनों का मीनिंग एक ही है और दोनों में ही आपको आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है. गो ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, चलते रहो, मज़े करते रहो. गो ऑन लर्निंग, सीखते रहो. और गो ऑन थिंकिंग मीन्स सोचते रहो. तो ये जब भी आपको कंटिन्यूस टेंस में बनाना है तो आप इसे याद रखें, गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करके आप इसे बना सकते हैं. दूसरा है लेट्स. लेट्स का मतलब होता है चलो, चलो चलें या चलो करें. उस काम को करने के लिए लेट्स का प्रयोग करते हैं हम और डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रखा है. इस तरह के वाक्यों को आप देखकर समझ सकते हैं कि इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हम डेली लाइफ में करते हैं. जैसे चलो चलें, लेट्स गो. लेट्स मूव भी बोल सकते हैं आप. चलो खेलें तो उसके लिए हो जाएगा लेट्स प्ले. लेट्स टेक फूड. सब लोग बैठे हैं, सब लोग आ गए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि चलो खाना खाएं, तो लेट्स टेक फूड. लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स डांस, लेट्स एंजॉय द पार्टी, लेट्स टॉक टू हिम. चलो उससे बात करें. तो लेट्स का मतलब होता है चलो, और जिस काम को करने के लिए वो आप बता सकते हैं. लेट्स और लेट दोनों अलग अलग हैं, इन्हें मिक्स मत कीजिए. लेट्स का मतलब होता है चलो करें, और यहाँ पर होता है लेट का मतलब होता है करने दो. जैसे आप देख सकते हैं लेट मी गो. लेट मी गो का मतलब हो गया मुझे सोने दो. सॉरी, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, लेट मी वर्क मुझे काम करने दो. इस तरह के वाक्यों को देख सकते हैं आप. ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होते हैं. मम्मी सुबह उठा रही है, आपको बोलना है कि मुझे सोने दो, तो आप उन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट मी स्लीप. आप काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो. लेट मी वर्क मुझे काम करने दो. लेट मी स्टडी मुझे पढ़ने दो. अगर आप लड़की की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको हिम यूज़ करना है. लेट हिम टेक रेस्ट उसे आराम करने दो. मुझे के लिए हो गया मी, लड़के के लिए होगा हिम. लड़की की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आ जाएगा हर. एक से ज़्यादा लोग हैं उसमें लड़के या लड़कियाँ हैं, तो फिर उनके लिए होता है देम, और हमारे लिए होता है अस, यू एस अस. तो ये ज़रूर ध्यान रखें, मुझे के लिए मी, लड़के के लिए हिम, लड़की के लिए हर, ज़्यादा लोगों के लिए देम यूज़ करना है आपको, और हमारे लिए अस यूज़ करना है. लेट हिम एंजॉय उसे मज़े करने दो. लेट हर टेक फूड उसे खाना खाने दो. डोंट डिस्टर्ब हर उसे परेशान मत करो. ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप ज़रूर याद रखें इन्हें. लेट हर कुक उसे खाना बनाने दो. और इसमें मैंने देम के एग्जाम्पल नहीं दिए हैं आपको. जैसे इसमें हो जाएगा लेट अस गो. लेट अस गो का मतलब हो जाएगा हमें जाने दो. उन्हें बोलना है तो फिर आपको देम का यूज़ करना है, लेट देम गो. तो इन्हें ज़रूर याद रखें आप, और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज़ करना है. अगर आपको लेट का यूज़ नहीं करना है तो आप इसकी जगह दूसरा जो एक वर्ड है इसमें अलाउ भी यूज़ कर सकते हैं आप. इसमें आपको टू का यूज़ करना है, लेट के साथ टू यूज़ नहीं करना है आपको. दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. जैसे लेट मी गो बोला था आपने, ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं अलाउ मी टू गो. आपको दोनों में से जो भी ज़्यादा आसान लग रहा है आप उसे अपना सकते हैं. ये अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू स्लीप, अलाउ मी टू वर्क. लड़के के लिए हिम यूज़ करना है, लड़की के लिए हर यूज़ करना है. एक से ज़्यादा लोगों के लिए बोल रहे हैं तो देम यूज़ करना है, और हमारे लिए यूज़ करना है तो फिर यू एस अस आपको यूज़ करना है. तो ये दोनों ही वर्ड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, या तो लेट से बना सकते हैं या अलाउ से बना सकते हैं. दोनों में डिफरेंस इतना है, लेट के साथ टू का यूज़ नहीं करना है और अलाउ के साथ में आपको टू का यूज़ करना है. दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो गो ऑन, कीप ऑन मतलब करते रहो, लेट्स मतलब चलो करें, और लेट मतलब करने दो, और अलाउ मी टू मतलब भी हो जाएगा करने दो. तो ये कुछ डेली लाइफ में आपकी ज़रूर मदद करेंगे इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं. इस तरह के और ढेर सारे सेंटेंसेस जो हैं मैंने अपनी बुक डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश में दिया है. ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस जो हैं आप यहाँ से शुरुआत करें, यदि आप बेसिक लर्नर हैं इन्हें दिन में ज़रूर आप जगह दें, तो आपको जो है इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर एक दिन जो है आपको पूरी भाषा बनानी आ जाएगी.
लेकिन जो शुरुआत है उसमें आप ज़रूर इन छोटे सेंटेंसेस को पकड़ें, ये आपकी जो शुरुआती दौर में जो है इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे ये आपस में जुड़कर जो है बड़े सेंटेंस बनते चले जाएंगे। तो ये काफ़ी एग्जांपल्स मैंने इसमें दिए हैं बुक में, डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश में, तो आप वहाँ से तो देख सकते हैं। ये बुक जो है अमेज़न पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इस तरह के कुछ और अच्छे और छोटे छोटे वीडियोज़ जो बेसिक ग्रामर से जुड़े हुए हैं वो आप देख सकते हैं। डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश लिखिए, उसमें आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये सारे वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़े पढ़ाएँ, देश को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।